नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से और अपने भगवती इनक्लेव आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। जमशेदपुर झारखंड का एक प्रधान शहर है, इस्पात कारखाना यही है, एशिया का पहला इस्पात कारखाना ही लगा था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ भी लगभग कोरोना का विस्फोट हो चुका है और हम लोग भयंकर साए में हम लोग भी जी रहे हैं। कल यस्टरडे 5 तारीख को मैं हॉस्पिटल से 5 बजे संध्या को मैं निकला हूँ। मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ा गई थी, बहुत ही गड़बड़ा गई थी। 3-4 दिनों से तकलीफ में पड़ा हुआ था, तो किसी एक्सक्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये कोरोना के कारण थोड़ी सी मानसिक शारीरिक प्रतिबद्धता के कारण ये समस्या थी, कुछ दिनों तक नहीं आया। आज मैं राहु के बारे में ही बोलूँगा और छोटा बोलूँगा, 15-20 मिनट ही बात करूँगा और 2 चरणों में बोलूँगा। तो मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि राहु 23/9/2020 को 12:24 में मिथुन राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डे है, दिस इज इम्पॉर्टेंट डे। 23 सितंबर को, अब वो 2 घंटा 1 घंटा या 1 डेट आगे पीछे हो जाए तो इसके लिए बहुत सारा बाल का खाल मत निकालिए, बहुत फोन आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेन चीज़ समझने का है, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट इज़ ऑल राइट। आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज, आई डोंट वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज, और आपके नॉलेज में उसको जोड़ दीजिए या जो लोग सीख रहे हैं वो थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए वाली बात है। तो राहु 23 सितंबर 2020 को वृषभ राशि में चले जा रहे हैं, राहु उल्टे चलते हैं। राहु के बारे में यदि राहु को पकड़ के यदि आप कुछ प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया और सुंदर तरीका ये होता है कि राहु को अब ये 3 में है तो यहाँ लिखिए 2, 1, 12, 11, 10, ऐसा करके आप बैठा लीजिए। राहु को केंद्र में रखिए, जैसे अब ये केंद्र में है तो 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 लिखा हूँ, नहीं आप लिखिए 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ऐसे बैठाइए, बैठ के कीजिए ना, आपको भी बहुत आनंद आएगा, यू विल ऑल्सो एंजॉय। कर्ण के राहु तो उल्टे चलते हैं, उल्टे चलते हैं और पीछे चलते हैं, तो 4 से वो 3 में ही जाएंगे। तो 3 है तो ये 2 में जाएंगे, 1 में जाएंगे, तो आप जो ऐसे गिन रहे हैं, मैं इसको ऐसे फॉरवर्ड गिनने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर नहीं लिखिए, 3 के बाद 2, 1, 12, 11 ऐसे करके लिखिए और तब राहु को वहाँ पर सेंटर में रखिए और तब आप देखिए राहु के फल के बारे में आपको एकदम अचंभा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ हमने पहले क्यों नहीं किया ऐसा, कारण कि जैसे राहु अभी 3 से 2 में जाएंगे तो हम तो ये पीछे देख रहे हैं, लेकिन यदि राहु को इसके हिसाब से हम नंबरिंग करके देखें तो 3 से 2 में जाएंगे तो ये आपका सेकंड हाउस होगा, ये सेकंड हाउस होगा,
ठीक है, ऐसे देखिए, लेकिन मैं बोलूँगा जैसे राहु चलते हैं उसके हिसाब से देख के दीजिए, बहुत सारा रिजल्ट आपको बहुत सही मिलने लगेगा। एक बार बैठा के अपने से प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत सारा रिजल्ट मैंने एकदम सच मिलते हुए देखा है अपने जीवन में, इसलिए बोलो। तो पहले राहु को तो आप जानते ही होंगे, राहु का मतलब विष, पॉइजन। बहुत कारक में पिछले बार मैं लिखा चुका हूँ राहु के बारे में, आप अपना पुराना पन्ना उलटिए मिल जाएगा आपको। मैं संक्षेप में दो तीन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसका बता रहा हूँ। राहु का मतलब विष, पॉइजन। राहु का मतलब धोखा, षड्यंत्र। राहु का मतलब लीगल मैटर्स, धोखे से आप पर केस कर दिया जाए, मुकदमा कर दिया जाए। राहु का मतलब आपको धोखे में डाल करके आपके पैसे निकाल लिया जाए और आपको धोखा दे करके आपको दरिद्रता के दलदल में फंसा दें, ये भी है राहु का मतलब। राहु का मतलब होता है विजातीय, ऐसे लोग जो आपके धर्म को नहीं मानते हैं, दूसरे धर्म की पूजा करते हैं, दूसरे ढंग से पूजा करते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म कल्चर उनका दूसरा है, विजातीय बोलते हैं उसको। राहु का मतलब होता है विदेश, एब्रॉड। राहु का मतलब एब्रॉड या विदेशी तत्व। राहु का मतलब देश काल के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा वो उधर बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज मैंने दो खंड में बोलूँगा, अभी राहु के बारे में हल्का सा बता देना चाह रहा हूँ। राहु 23/9/2020 को जो वृषभ राशि में जाएंगे तो वहाँ 3° 20' और 3° 20' मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। अभी भी मंगल के नक्षत्र में है और जब वृषभ राशि में जाएंगे तब भी मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो मंगल का जो 3° 20' का जोन है उसमें नवांश है कन्या, नेक्स्ट वाला जो जोन है उसका नवांश है सिंह। मैं यहाँ लिखा हूँ नवांश है 6, राक्षस नवांश है और 5 ये नर नवांश है। किसी कारण से नवांश का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये राहु जब यहाँ आ जाएंगे, वृषभ राशि में आएंगे, तो ये उच्च के होते हैं, 100% स्ट्रांग, उच्च, एग्जॉल्टेड। कुछ ऋषियों ने मिथुन को मांगा था कि ये उच्च है, अभी भी उच्च ही मानता हूँ मैं, क्योंकि ऋषियों की वाणी है, मैं ऋषियों से ऊपर तो हूँ नहीं। तो मिथुन राशि में भी कुछ ऋषियों ने उच्च का माना है और कुछ ऋषियों ने वृषभ राशि का उच्च का माना है। मेरी अपनी मान्यता वृषभ राशि को उच्च मान करके है, ये फिक्स्ड साइन है, इसलिए ये एक अलग रिजल्ट देगा। इसमें रोहिणी नक्षत्र भी आता है चंद्रमा का, तो हर हालत में 3 में रहें या 4 में रहें इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने की आज्ञा ईश्वर ने दे रखी थी। यहाँ दुर्भाग्यवश हमारे या हम लोगों के जितने एस्ट्रोलॉजर थे इंक्लूडिंग मी, सबों का फोरकास्ट गलत हो गया लगभग, कारण कि मैं भी राहु को ही कल्प्रिट मान के और मैं आज भी कल्प्रिट मान रहा हूँ, राहु के जरिए ही ये सारी समस्या हुई। विष बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं,
और राहु में एक और बड़ा कारक का गुण है, राहु को ग्रैंडफादर बोलते हैं, पिताजी के पिताजी को राहु ही इंडिकेट करता है। तो मान लिया किसी के कुंडली में लग्न में राहु है, आई एम श्योर लग्न का मतलब जानते हैं, लग्न जैसे ये बीच वाला जो पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, ये बीच वाला पार्ट, इसको लग्न बोलते हैं। तो 3 नंबर का लग्न है या 2 नंबर का लग्न है, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 नंबर का लग्न हो गया। तो यदि किसी के लग्न में ही राहु है, वो राहु अपने पूरे जीवन काल में, आपकी जीवन काल जो भी हो, तो राहु आपके दादाजी का भी, पिताजी के पिताजी का भी कुछ रिजल्ट देना चाहेगा। ये चाहे उनकी इच्छाएं हैं, उनकी अतृप्त इच्छाएं हैं, तृप्त इच्छाएं हैं, या उनका आशीर्वाद है, वो भी मिलना चाहेगा। लग्न का राहु या त्रिकोण का राहु, लग्न से 5वें त्रिकोण हुआ, लग्न से 9वें त्रिकोण हुआ, तो त्रिकोण के ग्रह लग्न पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, पंचम और नवम जो भी होंगे पूर्ण अधिकार रखते हैं, लेकिन रिजल्ट थोड़ा थोड़ा भैरी भी कर जाता है। जैसे किसी के 9वें में राहु हो तो बंधन योग बने या ना बने, मुकदमा तो खड़ा कर देता है, झंझट तो खड़ा कर देता है, भाग्य में हानि तो कर ही देता है। आपको विदेश में 1 करोड़ रुपए की नौकरी मिल जाए, सालाना 2 करोड़ की भी मिल जाए, लेकिन आपको दुख वहां जरूर होगा। एक त्रिकोण की बात हो गई। यदि पंचम भाव में है, लग्न से पंचम भाव में है, तो अभी आपके ग्रैंडफादर का थोड़ा रिजल्ट देना चाहेगा, 9th हाउस में थोड़ा अधिक देना चाहेगा, 5th हाउस में थोड़ा कम देना चाहेगा, लेकिन देगा। जैसे आपके पुत्र पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है आपके दादाजी के गुण का, हम लोग जैसे बोलते हैं नराणाम मातुल क्रम, बच्चे जो हैं माता के गुण धर्म, मामा के गुण धर्म के ऊपर जाते हैं। क्यों इस शब्द को बोला, कारण था राहु अभी मिथुन राशि में है और मिथुन राशि बुध को बोलते हैं, तो कुछ दिनों तक ये बुध भी यही थे, बुध भी निकल गए हैं। तो ये राहु मामा को तकलीफ देंगे, आपके मातुल, आपके मामा जी को भी ये तकलीफ दे रहे हैं। आप पूछ लीजिए अपने मामा जी को, मामा से मतलब, सॉरी मातुल तो हुए, लेकिन यहाँ पर आपके मौसी भी हो सकती हैं, यदि आपके माँ से ठीक छोटे जो हो, गर्भनष्ट हो गया है तो गिनती गलत हो जाएगा, लेकिन मातुल को, मामा को रिप्रेजेंट करता है। ते राहु वहां भी डस रहा है। अब ये मंगल 1 नंबर में है और यहां से छठे, तो हम यहां से छठे को देखूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो छठे से भी 8वें पड़ जा रहा है मंगल। मतलब छठे को मंगल तंग कर रहे हैं और तृतीय को राहु तंग कर रहे हैं, वहीं बैठे हुए। सो लगभग अभी हर आदमी के मामा जी किसी न किसी रूप में तकलीफ में आ रहे होंगे। तो मैं कहूं कि राहु हमेशा खराब ही होते हैं, ऐसे बात नहीं है। जिनके बर्थ कुंडली का चंद्रमा जहां है, मतलब जिनके कुंडली में 1 नंबर का राशि है, मेष राशि है, तो उनके लिए राहु तो शुभ है। जिनके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6
जिनका मकर राशि है उनके लिए राहु तो शुभ है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो 3-11 हुआ। तो सिंह राशि, मकर राशि और मेष राशि के लिए राहु तो शुभ है गोचर के हिसाब से, कारक के हिसाब से मिथुन राशि को तंग कर रहे हैं। 3 नंबर, गला, थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो मुझे हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे राहु देंगे। अब हम लोग इस राहु का, जब से राहु आए हैं 3 नंबर में, इत्तेफाक से कोरोना भी इसी के आसपास से उत्पन्न हुआ और यही राहु वुहान में कोरोना को उत्पन्न कराए। मैं जो एक बार हमारा पुराना जो है उसमें देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी एंड कोरोना कुछ ऐसा करके हमने दिया है, याद नहीं पड़ रहा है, उसमें हमने पूरा डिटेल दिया। तो राहु चेंज कर रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, आई एम 100% श्योर एज पर माई नॉलेज एंड ऋषियों का जो आदेश है उसके हिसाब से ये यहाँ पर जब जाएंगे वृषभ राशि में, तो यहाँ से अधिक शुभ होंगे और ये परमानेंट फिक्स्ड साइन है। तो हमारे ख्याल से ये सितंबर 9 में और उसके पहले तक कुछ तो कुछ दवा दारू निकल जाएगा, दिखता नहीं है, प्रैक्टिकली आंख से तो समझ में नहीं आ रहा, कुरानों तो फैलता चला जा रहा, लेकिन राहु चेंज कर रहे हैं। तो इस तारीख को 23 सितंबर को कुछ तो होना है, हो सकता है कुछ वैक्सीन निकल जाए, कुछ बड़ी सफलता मिल जाए, ये जो निकले उसमें कैंसर का भी इलाज हो जाए, ये भी बात है। मैं जब नया साल हुआ था उसमें भी हमने कहा था कि 2020 में कैंसर की भी दवा निकल सकती है। तो ये राहु विचित्र ढंग से यहाँ जा रहे हैं और मृक्षरा का मतलब होता है नयन, आँख, आइस। तो राहु अभी आँखों के जोन में है, मनुष्य के आँखों के जोन में है। उसके पहले आद्रा में थे, उल्टे चल रहे हैं, बाल में थे, केस में थे, अभी आँखों के जोन में आ गए। आई थिंक जब ये वृषभ में आएंगे सितंबर के बाद से वो आँख के जोन में आ जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन इंडिविजुअली मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग थोड़ी उम्र के हैं, जैसे मेरा उम्र है, या जिनकी आँखों में कुछ रोग है, या बच्चे जो दिन रात टैबलेट में लगे रहते हैं, अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, बीच बीच में मैं कहूँगा बच्चों को आँख के डॉक्टर से दिखा लीजिए, आपको भी तकलीफ है तो बीच में चेक कराइए। और ये रहस्य मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आद्रा में रहते हुए ये बाल तो कुछ न कारण था इसमें कोरोना को फैलने में, बाल भी कुछ कारण था, मैं नहीं समझ पाया, बट स्टिल आई बिलीव दैट इट प्लेड ए बिग रोल, या दुर्घटना कराने में, या उसको गिराने में, या उसको विस्फोट होने में, टूटने में, सारी चीज़ में कहीं न कहीं बाल लट से लटके और ऐसे हटाने में ही वो गिर गया मेरे हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी को पिक्चर बना के देखे ना तो आपको दिखाई देने लगेगा, आपको भी दिखाई देने लगेगा। तो ये राहु थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है। तो मैं संक्षेप में नक्षत्र के हिसाब से बता रहा हूँ
कि राहु मंगल के नक्षत्र में है, तो जिन लोगों का जन्म राहु के तीन नक्षत्र में हुआ है, आद्रा स्वाति सद्भिषा, उनके लिए कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कब तक? जब तक 27/1/2021 27 जनवरी 2021 तक राहु मृक्षरा नक्षत्र में है, तब तक आद्रा स्वाति सद्भिषा में जिनका जन्म हुआ है आपको आनंद में है, कुछ गड़बड़ आपको नहीं होगा। वही हालत गुरु पुनर्वशु विशाखा पूर्वाभाद्रा आपके लिए भी शुभ है। लेकिन शनि के तीन नक्षत्र में पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्रा में जिनका जन्म है, उनके लिए ये विपत्ति ला सकता है, बदल आ सकता है, झंझट ला सकता है। कब तक? 27 जनवरी 2020 तक ध्यान रखिएगा। जो भी नियम कायदा कानून डॉक्टरों के हिसाब से बनाई हुई है, बताई है, जो सरकार बोल रही है, पालन कीजिएगा। खमुखा झंझट में पड़ जाइएगा। कौन? शनि के तीन नक्षत्र वाले एकदम सावधान रहिएगा, नहीं तो इन्फेक्शन आपको हो जाएगा। प्लीज प्रतिष्ठा में प्राण मत कमाइए। 27 जनवरी 2021 के बाद से शनि के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए ठीक है। उसी तरह से सूरज के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उनके लिए भी ये डेंजर जोन में पड़ गया है। आपको भी डरना है कोरोना से, नहीं तो आप भी डेंजर जोन में आ जाएंगे, विपत्ति के जोन में आ जाएंगे, संकट के जोन में आ जाएंगे। थोड़ा डरिए, शांत रहिए। राहु के कारण बोल रहा हूं। उसी तरह से जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी केतु के तीन नक्षत्र अश्विनी मघा मूल, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए भी ये झंझट का घर है। सिर्फ रोग ही नहीं है, आपका और भी कुछ झंझट है। आप झगड़ा ना मोल लें, किसी से अदावत ना रखें, किसी को अपमानित ना करें, जोर से किसी को मत बोलें, व्यंग मत बोलिए, अकारण मत बोलिए, किसी से मत उलझिए, तो समय ठीक है आपका। और बाकी जिनका हमने उल्लेख नहीं किया उन सबों के लिए राहु अभी शुभ है। जब तक ये मृक्षरा नक्षत्र में है 27/1/2020 तक, और इसका नवांश राक्षस है और नर है, तो वृषभ में जब जाएंगे ये तो 3 degree 20 minutes और पीछे तक में ये रहेंगे राक्षस नवांश में, अशुभ रहेगा। थोड़ा सा राहु विकृत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद ये नरसिंह में रहेंगे, सिंह नवांश में रहेंगे, थोड़े शुभ हो जाएंगे। तो अभी मैं हल्का परिचय आपको दे दिया, नक्षत्र सिद्धांत से थोड़ा सा दिया हूँ। मैं कारक के बारे में ज़्यादा बोलना चाह रहा था कि राहु अभी मिथुन राशि में है, तो स्थान हानि करो गुरु बोलते हैं, तो राहु भी थोड़ा स्थान हानि करते हैं और इनकी दृष्टि भी, मैंने थोड़ा हानि करते हैं, ज़्यादा नहीं, इनकी दृष्टि भी गुरु के ऐसा 5, 7, 9 राहु और केतु और गुरु, इस एक ही दृष्टि होती है, 5
सात और नौ, ये पुण्य दृष्टि है 100 पैसे की। तो आप गिनेंगे राहु की, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर दृष्टि पड़ी 100 पैसे की, दृष्टि पड़ी राहु की यहाँ, तो ये राहु पंचम भाव को भी तंग कर रहा है। जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं एकदम, जितना बीसीजी और जितने टीके लगते हैं उनको लगवा लीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन होगा। मैं सिर्फ काम की बात बोल रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। फिफ्थ हाउस में तुला राशि है, यहाँ से सातवीं दृष्टि धनु राशि में पड़ रहा है। तो जिन लोगों को नी में प्रॉब्लम है, आप ओरल दवाई खाइए, अभी झट से ऑपरेशन में मत आ जाइए। यदि ऑपरेशन में आते हैं, आई एम श्योर ये ऑपरेशन कामयाब होने के बाद भी कहीं न कहीं इन्फेक्शन फैला देगा, प्रॉब्लम ला देगा, रहस्य डाल देगा इसमें। और उसी तरह से राहु का सात आठ नौ नाइन्थ हाउस में भी, कुंभ राशि में भी ये दृष्टि पड़ेगी। तो मैं सिर्फ बचाव की बात बोल रहा हूँ। कुंभ बोलते हैं वायु को, घड़ा को, खाली खड़ा। तो आपके घर में जितने भी खाली बर्तन पड़े हुए हैं उसको धो धा के फिर से ढक के रख दीजिए, उलट के रख दीजिए, भाई एयर पोल्यूशन हो सकता है। आप गंदी जगह में जा रहे हैं जहाँ पर कचड़े जलाए जा रहे हैं, तो श्योर मानिए आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। एयर पोल्यूशन की बात आ रही है यहाँ पर। आप यदि एयर से ट्रेवल कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप रोड से, कार से जाएं, इसकी ज़रूरत है। तो आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ राहु के बारे में। दूसरे दिन आऊँगा तो इसको थोड़ा डिटेल बताऊँगा। मैं इसलिए बोल रहा था, खास बात थी कि मृषरा नक्षत्र नयन को बोलते हैं, आँख को बोलते हैं। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। और बहुत सारे लोग बोले कि ये मुहूर्त है, वो मुहूर्त है। श्रीमान जी, मैं एकदम साधारण आदमी हूँ। इतने बड़े बड़े महात्मा, संत, ज्ञानी लोग हैं, उनके ज्ञान में उनके चरण के बराबर नहीं हूँ, बोलने की शक्ति नहीं रख सकता। मैं राजनीति में भी नहीं हूँ, ज्ञान में भी हूँ, लोक से बड़ा नहीं हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, सिर्फ प्रभु राम से प्रार्थना है, सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इतना ही, आज यहीं तक, फिर आगे बताऊंगा कुछ।